नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हैरी एजुकेशन न्यूज के अंदर। दोस्तों, तमाम जितने भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं जो कि तमाम लंबित भर्तियों की प्रक्रिया को लेकर महापड़ाव जिन अभ्यर्थियों का जारी है, उन अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष सूचना भी आई है। और मैं उन सभी अभ्यर्थियों को बता देता हूँ कि 21 सूत्री मांगों को लेकर जो बेरोजगारों का धरना प्रदर्शन जारी था और वह आज भी जारी है, क्योंकि सरकार ने बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ जो धोखा विश्वासघात किया है उसको लेकर अब इस आंदोलन में एक नया मोड़ आ गया। सरकार बार बार अभ्यर्थियों को आश्वासन देती है और उनका आंदोलन तोड़वा देती है, फिर वही प्रक्रिया चालू कर देती है अपनी। ना ही भर्ती की कोई प्रोसेस चालू करती है, ना कोई बात। और जितनी भी तमाम हमारी लंबित भर्तियां थी, चाहे वह LDC भर्ती 2013 हो, चाहे JN भर्ती हो, SI भर्ती है, पेपर रद्द के लेकर मांग की, ऐसे जाँच की मांग हो, और तमाम जो भी 21 सूत्री मांगों के अंदर जितने भी मांगें रखी गई थी, उन सभी मांगों को लेकर उपेंद्र यादव सर का कल एक कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर उनसे बताया बात की गई थी पत्रकारों द्वारा। तो LDC के अभ्यर्थियों व उपेंद्र यादव सर ने उनको जवाब देते हुए कहा है कि उपेंद्र यादव सर भावुक हो गए इस वीडियो के अंदर, और मैं आपको वह पूरा वीडियो भी दिखाऊंगा जिसके अंदर किन किन मांगों को लेकर स्पष्ट रूप से उपेंद्र यादव सर ने छात्र संघ बेरोजगार के तले एक बहुत बड़ा कुछ कहा है। और बेरोजगार अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार 46वें दिन आंदोलन यह जारी रहा है, और सरकार से यह मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। और मैं उपेंद्र यादव सर का वो आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ जिसके अंदर इन मांगों को लेकर सर ने बहुत ही बड़ा कहा है, जो कि ये वीडियो शुरू होता है दोस्तों। और इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए उपेंद्र यादव सर का बहुत कुछ कहा हुआ है। और साथ ही में आगे बढ़ने से पहले ये भी बता देता हूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एजुकेशन से रिगार्डेड सभी खबरें आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलती है। और साथियों, ये है वो वीडियो जिसको देखकर आप भी भावुक हो जाए होंगे, क्योंकि इतनी मेहनत, इतना पश्चाताप करने के बाद भी अभ्यर्थियों को अभी तक सफलता नहीं मिल रही, और सरकार लगातार बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ विश्वासघात किए जा रही है। ये वो वीडियो साथियों देखो। साथियों कि यह लड़ाई के लिए जान चली जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं राजस्थान से आज अलविदा हो रहा हूं, उत्तर प्रदेश से अंतिम क्षण तक लड़ने के लिए मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि हमारे साथ जो धोखा हुआ, हंचर के दौरान धोखा हुआ, यहाँ आके धोखा हुआ, समर्थन लेके धोखा हुआ, हर जगह धोखा हुआ, लेकिन वो तारीख वो पल याद है। यदि कांग्रेस हमारे साथ ये धोखा करती रहेगी 2023 दूर नहीं, क्योंकि अब इस कांग्रेस को राजस्थान से उखाड़ फेंकेंगे और वहां प्रियंका गांधी की रैलियों में विरोध करेंगे, क्योंकि यह लड़ाई आर पार की है। साथियों, आप लोगों ने इतना सहयोग किया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों को, जो आप हमेशा साथ रहते, लेकिन अब या तो मरेंगे या जीतेंगे। इस अंतिम या विदाई लेने से पहले इतना कहना चाहूंगा कि हम सच की लड़ाई के लिए जान दे देंगे, पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उपेंद्र यादव किसी पार्टी और किसी राजनेता के सामने न झुकने वाला है, न बिकने वाला है। सिन्हा ठोक के लड़ाई लड़ी थी, आज भी लड़ूंगा, चाहे ध्यान दे दूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष हमारा नारा है, हजार जुल्म की टक्कर में। संघर्ष हमारा नारा है, हजार जुल्म की टक्कर में। संघर्ष हमारा आप अपने हिसाब से निकल जाना, मैं निकल रहा हूँ ना, सारे लोग अपने हिसाब से चलेंगे। देखो, पिछले 44 दिन से हमारा आंदोलन जारी है। पहले जब हमने राहुल गांधी से मिलकर एक दिसंबर 2018 को मिले थे, 4 दिसंबर 2018 को PCC में बैठकर, जिसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी और राष्ट्रीय नेता जो प्रमोद तिवारी उत्तर प्रदेश के नेता,
उनके साथ बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को समर्थन दिया था। उसके बाद आपने देखा होगा 23 फरवरी को रात 12:30 बजे जो मीटिंग हुई थी, जो लिखित समझौता हुआ था सुभाष गर्ग और मंत्री राजेंद्र यादव से, उसके बाद महेश जोशी ने अनशन तोड़ाया था, फिर मुख्यमंत्री सलाहकार आए थे, लगातार हमने कांग्रेस का समर्थन दिया था, साथ दिया था, लेकिन हमारे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है कि आज जो मंत्री मुकर रहे अपने समझौते से, आज अनशन तोड़वा कर मुकर रहे हैं। तो आज हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया, उत्तर प्रदेश हम पूछ कर रहे हैं या तो वहां मरेंगे, क्योंकि हमारी चिताएं वहां से वापस आएंगी। अब राजस्थान हम वापस आने वाले नहीं है। पिछले 44 दिन तक हमने हाथ जोड़े, प्रदर्शन किया, मंडियां लगाई, बहुत कुछ किया जगाने के लिए, लेकिन सरकार जागी नहीं। ऐसा लगता है कि आज हम अनाथ हो गए। जिस सरकार का हमने समर्थन दिया था, साथ दिया था, वो सरकार आज हमारे साथ नहीं है, केवल हमारे साथ राजनीति कर रही है। लेकिन यह है कि मेरे किसी साथी और मेरे साथ कुछ अनहोनी होती है, हम इस दुनिया में नहीं रहते, उसकी जिम्मेदार राज्य सरकार होगी। बहुत कोशिश की सरकार को जगाने की, खूब यातनाएं देने के बाद खूब प्रार्थना की कि हमारी मांगों मान लो, जो वाजिब है, जो लिखित समझौता हुआ, अपने अनशन तोड़ा, लेकिन हमें केवल मिला धोखा। इसलिए हम उत्तर प्रदेश पूछे, तमाम वो तस्वीरें हैं जो समझौते की है, और अब उत्तर प्रदेश पूछ कर रहे हैं। और कल सुबह मैं लखनऊ में आमर अनशन में बैठ रहा हूँ, मैं अन्न और जल दोनों त्याग कर अंतिम क्षण तक, जब मेरी मौत हो जाएगी जब तक मैं इस लड़ाई से पीछे लेटूंगा, और कल से आमर अनशन उत्तर प्रदेश शुरू कर रहा हूँ। कई नेता है यहाँ पर, आश्वासन भी दिया, उसके बावजूद भी मांग नहीं मानी सरकार ने, इसलिए आज बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे साथ धोखा हुआ, बहुत बुरी तरह से हम टूटे हुए इंसान। लेकिन ये जरूर है कि हमारे कौशले नहीं टूटे, अंतिम क्षण तक लड़ेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये लड़ाई बड़ी होगी और इसका धमाका उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा होगा। अभी एक भावुक क्षण था, आंसू भी आ गए और भी साथियों के आंसू आ रहे हैं। देखो दुख इस बात का होता है कि जिस कांग्रेस को हमने समर्थन दिया, साथ रहे, और हमारी बेरोजगार यहाँ रोते हैं, आप नहीं जानते, हमारे पास कई बार खाने की व्यवस्था नहीं हो पाती, टेंट के बेचते हैं, हमारी रोज कैसे रहती है क्या हालत में देखता हूँ, ये बात पूरे हालत से 44 दिन से बेचारी एक एक सब्जी में दो दो तीन तीन लोग आना खाते, हालत गंभीर है, कैसे किराया दे रही, इनकी हालत इतनी गंभीर है 44 दिन। आज क्या है कि मैं इतना मजबूत था तो ये लोग मुझे देख खुश रहते थे, लेकिन मुझे आज ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो हालत गंभीर है, क्योंकि इनकी आर्थिक हालत इतनी गंभीर है, कैसे 44 दिन से राजनीति पार्टी के पास चंदा होता है, हमारे पास क्या है रुकने की, खाने की, कैसे हम व्यवस्था करते हैं, कैसे अभी भी कैसे पैसे इकट्ठा करके किराए करके उत्तर प्रदेश पूछ रहे, हालत इतनी गंभीर है कि हमारा मरना ही, इससे ज़्यादा क्या होगा, सरकार का पीछा छूट जाएगा, मर जाएंगे। बुरे हालत इतने हो चुके हैं कि हमारे साथ इतना धोखा हुआ कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, लेकिन आर पार की लड़ाई के लिए उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। उपेंद्र जी, ये क्यों कहा आपने कि ये शायद मेरा अंतिम आंदोलन हो सकता है? जो पिछले बार गई थी उत्तर प्रदेश में हमारे साथ मारपीट हुई थी, 10 तारीख को गई, हमें चेतावनी दी थी वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा, उनको पता है उपेंद्र यादव फिर आएगा, तो पता नहीं वो हमें चिंता छोड़े या न छोड़े, लेकिन ये लड़ाई अंतिम है, क्योंकि ये लड़ाई उन प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों के, उनके माँ बाप के लिए है कि हम मांग कर रहे हैं नई भर्तियाँ निकाली जाए, लंबित भर्तियाँ पूरी की जाए, समझौते की जो मांगे जो पूरी की जाए, मुकदमे वापस लिए जाए, ये 22 सूत्र मांगों को लेकर जो तमाम 24 सूत्र पहले लिखित समझौता होता, उन मांगों को लेकर जो मंत्रियों ने लिखित में दिया था, जो वाजिब मांग उनके लिए हमारा संघर्ष है, जो अनशन तोड़वाया था कि आपकी मांगे पूरी हो जाएगी, 3-3 बार वार्ता हुई, मुख्यमंत्री के सलाहकार आए, तो आज हमारी कौन सी गैर वाजिब मांग है? अभी जो सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि किसानों की सुनी जाए, हम किसान के बेटे हैं, आज आखिरकार हम कहाँ जाए, आज आखिरकार हर बेरोजगार रो रहा है, लेकिन आज हम इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया, अब उत्तर प्रदेश हम वापस नहीं आएंगे, या तो हमारी लाश आएगी या फिर हम जीत कर आएंगे। यूपी आप 2 बार पहले भी जा चुके हैं, क्या कुछ धमकियाँ मिली आपको वहाँ पर? पहले हमारे साथियों के सिर फोड़े गए थे 16 जुलाई को वहाँ, और इसके बाद अब दोबारा गए थे, हमारे साथ बदसलूकी की गई थी, लेकिन अब ये लड़ाई आर पार की। और साथियों, यह वो वीडियो था जिसको देखकर आप भी बहुत हो चुके होंगे, और पंचायती राज LDC भर्ती हो, चाहे जैन भर्ती हो, रीट भर्ती हो, तमाम जितनी भर्तियों को लेकर यह 21 सूत्री मांगों को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, महापड़ाव चल रहा, अब उसको एक नया रूप देने जा रहे हैं हमारे बड़े भाई उपेंद्र यादव सर। और जितनी भी अगर राजस्थान में कांग्रेस सरकार के द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ जो विश्वासघात किया जा रहा है, उसको अब अभ्यर्थियों के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा आंदोलन होगा। और साथियों, मैं आगे बढ़ने से पहले बताऊं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।